एवरीवन, त्योहारों के दिन आ रहे हैं और त्यौहार में गुजिया ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और जिस त्यौहार में गुजिया ना बने ना, वो त्यौहार त्यौहार नहीं लगता। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ स्पेशल मावा वाली गुजिया की रेसिपी। लेके आप लोग भी ट्राई करिए और अपने घर वालों को भी खिलाइए। बहुत ही ज़्यादा ईजी रेसिपी है। सबसे पहले यहाँ पास मैंने लिया है 2 कप मैदा, थोड़ा सा नमक और आधा चम्मच जितना मैंने बेकिंग पाउडर लिया था, पर वीडियो में आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि वीडियो थोड़ी सी स्किप हो गई है। फिर मैंने यहाँ पास गरम गरम खौलता हुआ तेल डाल दिया इसके ऊपर में। आप चाहे तो इसमें डालडा का भी यूज़ कर सकते हैं और घी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जिस कप पे मैंने मैदा लिया था ना, सेम उसी कप पे मैंने आधे का आधा इसमें तेल लिया है। बेकिंग पाउडर डालना ऑप्शनल है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बेकिंग पाउडर डालने से जो गुजिया है वो और भी ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छा सा एक डो रेडी कर लेंगे। पानी मैंने नॉर्मल ही लिया है, कोई भी गुनगुना पानी का यूज़ नहीं कर रही हूँ मैं, बस नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी मैंने इसमें यूज़ किया है। और एक अच्छा सा सॉफ्ट सा डो लगा लेंगे। जैसे रोटी के लिए आटा लगाते ना, सेम वैसे ही बनाना है, ना तो एकदम ज़्यादा हार्ड ना तो एकदम ज़्यादा सॉफ्ट। अब इसे 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। अब तक यहाँ पास मैंने खोआ को अच्छे से ग्रेट कर लिया है, ये 200 ग्राम खोआ है। सेम इसी तरीके से मैंने नारियल को भी ग्रेट कर लिया था। सूखा नारियल मैंने यूज़ किया था, एक बड़ा सा नारियल था जिसका आधा हिस्सा ही मैंने बस यूज़ किया था। ज़्यादा नारियल यूज़ करने से पूरा नारियल का टेस्ट ज़्यादा आता, इसीलिए मैंने कम यूज़ किया था। अब सभी चीज़ों को रोस्ट करने की बारी। तो सबसे पहले यहाँ पास मैंने पैन पे थोड़ा सा तेल लिया है, छोटी वाली कटोरी पे 1.5 कटोरी मैंने सूजी लिया है। और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती इसीलिए मैंने ना कट करके दिखाया है। आपका जो सूजी है कुछ इस तरीके से इतना ब्राउन होना चाहिए। और यहाँ पास जितनी आपकी श्रद्धा है उसके हिसाब से आपको काजू बादाम किशमिश जो भी आपको डालना है आप डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा थोड़ा सा सब कुछ डाला है, लेकिन ये ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पास अब मैंने मावा डाल दिया है, इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। और थोड़ा सा जो मावा है वो मैंने बचा दिया जो कि मैं लास्ट में डालने वाली हूँ। यहाँ पास जिस कटोरी पे मैंने सूजी लिया था ना, सेम उसी कटोरी पे 1.5 कटोरी यहाँ पास मैं चीनी लूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जो इसमें मैं नारियल यूज़ करने जा रही हूँ ना, ये सूखा नारियल था जिसे मैंने ग्रेट करके इसमें डाला है। आप कच्चा नारियल मत डालना, अगर कच्चा नारियल अगर आप डालते हैं तो उसे पहले अच्छे से भून लीजिए, उसके बाद इसमें ऐड करिएगा। जिस कटोरी पे मैंने सूजी ऐड किया था ना, सेम उसी कटोरी पे मैंने 1 कप ये नारियल डाला है। जब सब कुछ अच्छे से ठंडा हो जाए उसके बाद छोटे छोटे से गोले बना के इस तरीके से रोटी बना लेंगे। ध्यान दीजिएगा कि रोटी एकदम पतली बननी चाहिए, मोटी जितनी रोटी रहेगी उतना ही ज़्यादा आपका जो गुजिया है वो हार्ड बनेगा। तो पतली पतली सी लेयर आपको बनानी है। अब यहाँ पास आपको गुजिया बनाने के लिए लगेगा एक मोल्ड, जो कि गुजिया मोल्ड आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, ऑफलाइन भी मिल जाएगा। आजकल तो बहुत सारी प्लास्टिक वाली मिलने लग गई है। और अगर आपके पास गुजिया मोल्ड नहीं भी है तो आप हाथ से भी अच्छा खासा शेप दे सकते हैं। यहाँ पास मैंने गुजिया मोल्ड पे अच्छे से आटा डस्ट कर लिया, फिर मैंने जो रोटी बेली थी उसी इसके ऊपर में रख के ये जो मावा वाला मैंने मटेरियल बनाया था उसे 2 चम्मच डाल के अच्छे से पानी से कुछ इस तरीके से साइड को लॉक कर लेंगे। पानी डालने से क्या होगा, इसे जब हम फ्राई करेंगे तो ये नहीं खुलेगा, अच्छे से ये चिपक जाएगा। ये जो आप गुजिया मोल्ड देख रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा पुरानी है, जब मैं हुई नहीं थी ना उससे पहले का। अब आप लोग पूछेंगे कि मुझे कैसे पता, तो मेरी मम्मी ने बताया था कि जब मैं हुई नहीं थी ना उससे पहले से ये गुजिया मोल्ड उनके पास था। और इसी तरीके से मैंने बहुत सारा बना लिया था, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं दिखाया है। अब इसे फ्राई कर लेंगे। देखो यार, सेम ही तो प्रोसेस होता है, वही वही दिखा के मैं आप लोगों को बोर नहीं करना चाहती थी। मैं खुद लॉन्ग वीडियो देख के बोर हो जाती हूँ, आप लोगों से क्या उम्मीद रखूं यार, मैं खुद वैसी हूं। तो बस आप लोग बना बना के देखना, एक दो ना फट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मुझसे भी ना एक दो फट गया, लेकिन आप लोग ट्राई करते रहना तो अच्छे से ये बन जाएगा। यहाँ पास मैंने ना लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई किया है। और ये वीडियो देखने में भले 5 मिनट की लग रही है, पर इसे बनाने में, एडिट करने में, वॉइस ओवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, बहुत मेहनत लगी है। पर आप लोग एक लाइक भी नहीं करते हो यार, आप लोग जब एक लाइक करते हो ना तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, ऐसा लगता है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई है। तो आप लोग ना बस छोटा सा एक लाइक कर दिया करो। और मैंने ना खाजा की रेसिपी शेयर करी है जो कि बहुत ही अच्छी बनी थी, आप लोग भी ट्राई करिएगा। और कुछ भी आप मेरी वीडियो से देख के सीखते हैं बनाते हैं ना, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मेंशन किया करो ताकि मैं भी आप लोग जो रेसिपी बनाते हैं उसे स्टोरी लगाऊं। और मेरी इंस्टा आईडी है कनिका केक हाउस, अगर आपको नहीं मिलती है तो यहाँ डिस्क्रिप्शन पे आपको मेरी आईडी मिल जाएगी। देखो बात करते करते पूरी गुजिया ही बन गई। अच्छे से जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब इसे बाहर निकाल लेंगे।
ऐसे ही ना मैंने बाकी गुजिया को भी अच्छे से फ्राई कर लिया। थोड़ा सा जो फीलिंग है मावा और सूजी वाला वो बच गया था, उससे मैंने बाद में और गुजिया बना लिए थे। ये हो गया हमारी गुजिया रेडी। यहाँ पर ना मैं सोच रही थी कि सुंदर वाला उठाऊँ कि थोड़ा सा उबड़ खबड़ जो बना है उसे उठाऊँ। मैंने ये उबड़ खबड़ वाला उठाया और फिर ये देखिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बना था। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।